गुरु नानक साहब जी, गुरु अंगद साहब जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी ते गुरु अर्जुन देव जी। 123 सवैये ने भट्टां दे, क्योंकि भावें कल नूं अगे इन्हां गुरमुखा भट्टां दे सवैयां च प्रकरण दित्ता है, पर अज मैं थोड़ी जी बेनती ये भूमिका च करनी चाह। 123 सवैये भट्टां ने उचारण किए हैं, इन्हां विचों गुरमुखो 63 सवैये गुरु नानक साहब, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास ते गुरु अर्जुन देव। 63 सवैये 4 गुरु साहिबाना की सिफत विच ने, 60 सवैये केवल सोढ़ी पातशाह धन गुरु रामदास की सिफत विच ने। पट साहिबान ने 60 सवैये उचारण किए, जिहड़ा सवैया आप जी ने प्रकरण रखे है ये 54वां सवैया है। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, क्योंकि 60 सवैये ने, यह 54वां सवैया है पट साहिबान जी का। थोड़ी जी मैं आप नूं जिहड़ी बेनती कर लगा, जिहड़ा 60वां सवैया है गुरु रामदास की सिफत विच, उंज तां बहुत चंगा है। प्रबंधक वीर बैठे आ, मैनेजर साहब, मेरे मन च कई बारी आउंदा है कि जे आपां सोच के तुरीए कदी समा आवे, सकारात्मक सोच रख के जिथे सवेरे हुक्मनामे की विचार हुंदी है, संध्या नूं विशेष प्रोग्राम लाइव होवे जिहदे विच सतगुरु की सिफत विच जिन्ने सवैये भट्टां ने उचारण किए ने, लड़ीवार उन्हां सवैयां की विचार जरूर होवे, कि संगत नूं पता लगे कि सतगुरु की सिफत विच किन्ने कु बचन कहे। हुण जिहड़ा 60वां सवैया है उहदी शुरुआत विच भट्ट कहिंदे ने, तू सतगुर चौ जुगी आप आपे परमेसर। गुरमुखो कहिंदे ने कि धन गुरु रामदास महाराज जी, आ सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग, सच एवे चारां युगां विच तुसी आप ही हो मेरे वास्ते। जे परमेश्वर है वह धन गुरु रामदास सच्चा पातशाह। थोड़ा जिहा इस गल नूं मैं, क्योंकि आउणा सवैये ते जो भाई साहब ने उन्हें गुरमुखा अनाउंस किया, एक मन च सवाल उठेगा, असी तां अकाल पुरख नूं जपने, आरंभता साडी इत्थों हुंदी है, जप आदि सच, जुगाद सच, खै पी सच, नानक होसी पी सच। अकाल पुरख नूं जपो, जां आपां पाठ करने आ कि बारंग बार बार प्रभ जपिए, वार वार परमात्मा नूं जपो, जां असी पाठ करने आ महाराज जी दा, जपो तां एको नामा अवर निराफल कामा, आ पाठ करने आ, जप मन सत नाम सदा सत नाम। अगली गल होर, जदों सिमरन की गल चलती तो महाराज शुरुआत कर दिया सुखमनी साहब जी की, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माए मिटावो, सिमरो जास विसंपर एक है नाम जपत अगंत अनेक है, वेद पुराण सिमरत सुधा कर कीन है राम नाम एक आखर। हुण उत्थे सिमरन प्रभु का जिक्र कर रहे महाराज, उहदा प्रभु दे सिमरन का वार वार जिक्र कर रहे, पर इत्थे कहा जा रहा है कि गुरु रामदास जी नूं सिमरो। इस नुकते नूं ध्यान नाल सुनियो गुरमुखो, फिर एक पासे कह रहा जा रहा कि जप आदि सत, जुगाद सच, जप मन सत नाम सदा सत नाम, जां पाठ करने सो ऐसा हर त्याई मन मेरे जो सब ना ऊपर हुक्म चलाए, ते दूजे पासे बाणी च भट कह रहे जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन घर बनायो। थोड़ी जी इस मेरी बेनती नूं ध्यान सुनियो जी, मैं कोई साख ही नहीं ली, मैनू पता आप सूझवान संगत हो अमृतसर दी, रोज सवैये सुनते हो। गुरमुखो इत्थे क्यों गुरु साहिबान नूं कहा जाए सिमरो, उन्हां नूं जपो? सब तो पहला गुरु अर्जुन देव जी ने यह सवैये दर्ज करके साडे अंदर दे शंके खत्म कर दिते, कि जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना, हां के बल 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 सद बलिखार। मैं सिर्फ दो तुकां लईआं, इहदे विच गुरु अर्जुन साहिब कहिंदे ने गुरु नानक साहिब परमात्मा दे वर्गे ने, उहनां दे समसर ने, ब्रह्म समसर ने, वह परमात्मा दे दर ते प्रामाणिक ने। सच एवे कि उहनां दा जिहड़ा कोई नाम जपदा है उहनूं सकून मिलदा है। गुरमुखो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच समर्थ गुरु की जदों सिफत की गई, सच एवे उहनूं गुर परमेश्वर जाण के सिफत की गई है। इस बेनती नूं फिर मैं रिपीट करांगा, गुरमुखो देखो तीन क गल्लां ने,
एक बारी सिख पंथ विच इहदी चर्चा भी उठी सी कि इह जी भट्ट साहिबान दे जिहड़े सवैये ने क्योंकि आपां नैगेटिव नहीं चलना थोड़ा जिहा इशारे मात्र इहदे विच तां सिफत कीती गई गुरु साहिब दी सिफत ते परमात्मा दी करनी पर याद रखो कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच जिथे पार ब्रह्म परमेश्वर की सिफत की गई उथे परमेश्वर का शब्द लियाउण वाला समर्थ सतगुरु ओदी भी सिफत की गई। एक पार ब्रह्म परमेश्वर की सिफत है, दूसरी गुरु ग्रंथ साहिब विच गुर परमेश्वर की सिफत है। फिर लफ्ज गुर परमेश्वर असी एक पाठ करने हैं। परमात्मा का तो कोई चक्कर चिन्ह कोई नहीं जी, पर यह भी है जे नहीं तो है भी जिमें आप सोलहवीं अष्टवदी का पाठ करते हो, रूप ना रेख ना रंग किछ त्रयों गुण ते प्रभ भिन्न। परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई रेख नहीं, कोई रंग नहीं, कोई तीन गुणा चो रजगुण तम गुण सतगुण कुछ लागू नहीं हुंदा। आम बंदा सोचेगा भी जिहदा रूप नहीं, रेख नहीं, रंग नहीं तो है। महाराज कहिंदे है जरूर, पर समझ उहनूं पैंदी है जिहदे उत्ते वाहिगुरु जी दी प्रसन्नता होवे। रूप ना रेख ना रंग किछ त्रयों गुण ते प्रभ भिन्न, तिसें बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। मैं थोड़ा जिहा भूमिका ज्यादा चला गया। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच जे आप जी ये भी शब्द कह दोगे धन गुरु नानक साहिब जी, याद रखियो वह आकार था नहीं जाना, वह शब्द भी सिमरन दे रूप विच रब दी दरगाह विच स्वीकार होवेगा। जे आप ये शब्द के हुणे सी पढ़ांगे कि धन धन गुरु रामदास जी, शरदा नाल भिज के कह दोगे सच एवे, यह भी ओना ही फल रखेगा जिन्ना असी वाहिगुरु शब्द नूं बोलन दा रखने। थोड़ा जिहा इस बेनती जदों असी सुल्तानपुर की घटना पढ़ने, गुरु नानक साहब वहीं च प्रवेश करते, उस वक्त जन्म साखी वालिया ने कोई शब्द सांभे, अकाल पुरख के दरगाह जाण दा जिक्र किया जाता है। साखीकार ये कहिंदे ने कि महाराज वहीं च गए, निकले नहीं, तीन दिन बाद बार आए। कई ने कहा पार वाले पासे चले गए, आधुनिक विद्वान जिहड़े ने वह होर तरीके नाल व्याख्या कर लगे, पर जन्म साखी वाले ने गल कही। वह कहिंदा पार ब्रह्म परमेश्वर के दर तो रहमता लईआं। फिर सुनियो जिन्हों भाई साहब ने कहा पहला बाबे पाया बख्श दर, पिछों दे फिर घाल कमाई, रेत अक आहार कर रोड़ा दी गुर करी विछाई, भारी करी तपस्या वड्डे भाग हंस हरसों बनाई, बाबा पैदा सचखंड नौनिद नाम गरीबी पाई। जे थोड़ा जा होर आप देखिए एक मांझ की वार दी अखीर वाली पौड़ी है, हों ढाडी वेकार कार लाया रात द्यों कै वार तुरों परमाया। महाराज कहते मैनू ढाडी नू परमात्मा ने तुर दरगाह तो यह सिफत करन दा हुक्म किया है। मैं आप नू बेनती करा उत्थे जन्म साखी वाला परमेश्वर के मुख तो जा कह लो ये अलाही नाद राही शब्द कह रहा है कि पार ब्रह्म परमेश्वर ने तीन शब्द कहे। वह शब्द ने कि गुरु नानक साहब जी मुखातब करके, जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर। मैं थोड़ा जा इतिहास का हवाला ले लिया, परमेश्वर कह रहे हैं जिस उत्ते साड़ी नदर होगी उस उत्ते समझो गुरु नानक की नदर, जिदे उत्ते गुरु नानक की नदर समझो रब की नदर। फिर सुनियो परमेश्वर कह रहे ने जिस ऊपर मेरी नदर तिस ऊपर तेरी नदर, जिस ऊपर मेरा करम, करम फारसी का लफ्ज इत्थे जी बख्शिश, इहदा अर्थ गुरु नानक साहब जी नूं कि जिस उत्ते मेरी बख्शिश होवेगी सच एवे उहदे उत्ते तेरी बख्शिश, जिहदे उत्ते तेरी बख्शिश होवेगी उहदे उत्ते मेरी बख्शिश होवेगी। इह लफ्ज फिर सुणियो जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर, जिस ऊपर तेरा कर्म तिस ऊपर मेरा कर्म। अगला शब्द है मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुर परमेश्वर। यह लफ्ज सुन वाले मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुर परमेश्वर। ते गुरमुखो मैं अपने को कोई शब्द नहीं कह रहा, आ पाठ है गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी खोग। सच एवे कि भट्ट साहिबान जी ने जदों सिफत की उन्होंने गुर परमेश्वर जान के सिफत की, यही कारण कि गुरु रामदास जी के स्वरूप नू बदन नू इस तन नू सच्ची जे मैं स्पष्ट खोल के करा, कहिंदे ने लोको परमात्मा ने
जेड़ी देही धारण की उस देही दा नाम धन गुरु रामदास है। महाराज जी दे शब्द ने जिवें असीं पढ़िया तू सतगुर चौ जुगी आप आपे परमेश्वर, उहदे विच इक बचन है प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण। गुरमुखो आप गुरु रामदास दे घर च रहण वाले हो, इनू वड्डी शरदा कितों लैके आवांगे? एडी वड्डी शरदा बन जाए ते एक लफ्ज कहो ते पार उतारा। भट्ट साहब कह रहे ने पार ब्रह्म दी प्रतख दे जे किसे देखनी उहदा नाम धन गुरु रामदास सच्चा पातशाह है। प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप जिहड़ा सब दा मुढ ने परमात्मा जी, पोखण भरणंग जिहड़े सारे जीवां दी पालना करके उहनां दी परवरिश करदे ने, उसका नाम धन गुरु रामदास है। मैं इस करके बेनती की कि गुर परमेश्वर जान के गुरु रामदास की सिफत की। 54वां सवैया है, थोड़े जे दे आपां अर्थ कर लीए। पहला बचन है, क्योंकि सबजैक्ट दे गुरमुखां दिता है, सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो। अर्थ बड़े सौखे ने जी, बड़े सरल ने कि सोई रामदास गुर बल भण, बल भण दर ते भट बल जी बोल के कह रहे ने, आख रहे लोको जिन्हों कह रहे हैं सिमरन करो उस गुरु का नाम धन गुरु रामदास है। क्योंकि इस तुक दे अर्थ पहलियां तुकां तो बिना नहीं हो सकते। आप सूझवान बैठे हो, सब्जेक्ट भावें आपने रख दिता है सोई रामदास गुर बल भण, पर सोई दे अर्थ लभण लई उतलियां तुकां पढ़नियां पैणगियां। किहड़ा गुरु सोई दा अर्थ है? ओ गुरु किहड़ा गुरु? उत्थे फिर सतगुरु कहिंदे जे सतगुर सिमरंत नैण के तिमर मिटै खिन। जे सतगुर, इत्थे लफ्ज नहीं क्या गुरु रामदास, इहदा अर्थ हो गया जिस सतगुरु दा सिमरन कीतिआं। लफजी अर्थ जी जे सतगुर सिमरंत, यह पहली तोक सिमरंत है, अगली तोक सिमरंत है। पहला सिमरंत तत्ते नाल है, अगे थत्थे नाल है। जे सतगुर सिमरंत, इहदा अर्थ हो गया जिस सतगुरु का सिमरन कीतिआं, नैण के तिमर मिटै खिन। इत्थे शब्द नन्ना यईआ ते नाणा, पर जदों ग्रैमर विच पढ़ो इहदा पाठ नाइन करना है, जिन्नी कु सानू जिवें पढ़ाया गया। जिस सतगुरु का सिमरन कीतिआं, नैण का अर्थ है अखां नेत्र, तिमर का अर्थ है हनेरा। जे सतगुर सिमरंत नैण के तिमर मिटै खिन, इस गल नूं ध्यान नाल सुनियो, पढ़े ही जांदा सवैया कि जिस गुरु का, जिस सतगुरां का सिमरन कीतिआं, अखरी अर्थ ने अखां का हनेरा एक खिन दे विच कट्टिआ जांदा है। फिर लफज जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, तिमर दर्थ हनेरा, खिन दर्थ अख चमकण जिन्ना समा। जिस सतगुरु जी नूं चेते कीतिआं, एक खिन विच अखां दा हनेरा मुक जांदा है। फिर अगली गल इहदे भाव अर्थ नूं अग्गे अर्ज करना, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन। कमाल कर दित्ती जी भट्ट साहिब ने, कहिंदे ने तूं चाहना मेरे अंदर नाम चले, एक बारी धन गुरु रामदास बोल के नाम जप, तू गुरु रामदास बोलेगा ते नाम दिन ब दिन तेरे अंदर चढ़दी कला लैके आ जाएगा। फिर लफ जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। हृदय हर नाम तेरे खिरदे विच, फिर बेनती हृदय दर ते खिरदा, तेरे खिरदे विच नाम टिक जाएगा दिन ब दिन। जिन्ना तू धन गुरु रामदास कूकेगा ना, सच्ची मुची रब तेरे अंदर निवास कर जाएगा। ये मेरे लफ्ज नहीं गुरमुखो, ये उन्हां महापुरखां दे लफ्ज ने जिन्हां ने गुरु रामदास नूं अपने नेत्रां नाल देखिया है। सुनिया गल्लां नहीं कर रहे, जे सतगुर सिमरंत सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे। वाहिगुरु जी की तपत, पहले मैं आखरी अर्थ कर देंगा, फिर थोड़ी जी आप व्याख्या करांगे समय के लिहाज नाल, क्योंकि मैं भी 6-7 महीनों तो बाद बाहरों आया गुरु रामदास जी के चरण परसन वास्ते। केवल सवेरे कथा भी शुरू करनी है, जिस गुरु जी नूं चेते कीते हां जिंद दी तपश की है। प्यारे
बाहर दी तपश बंदा बर्दाश्त कर जांदा है, अंदर दी तपश कई जन्म बंदे दा खेड़ा नहीं छड़दी। कहिंदे लोको जिहदा अंदर तपदा होवे सड़दा होवे, एक वारी धन गुरु रामदास कहो दी जिंद नूं ठंड पै जांदी है। जे सतगुरु सिमरंत जी की तपत मिटावे, जे सतगुरु सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे, जिस गुरु नूं चेते कीतिआं। ओ प्यारिओ, लोकी साधना करदे ने कि इहदे नाल मैनूं रिद्धि मिल जाए सिद्धि मिल जाए। मैं कई वारी कहिंदा गुरमुखो आ गुरु रामदास दी परिक्रमा विच लंघ के देखो, इहदी सिल उत्ते पई कोई संगत दी चरणा दी धूड़ मत्थे ते ला लो, उस धूड़ दे विच वी रिद्धियां सिद्धियां पईआं होईआं। जिस गुरु जी नूं चेते कीतिआं रिद्धियां सिद्धियां ते नौ निधियां ने। पर इत्थों तक उहनां क्या नहीं किहड़ा गुरु, फिर सुनो ये चार बचन सिर्फ इन्ने क्या जिस गुरु नूं चेते कीतिआं। थोड़े जे अर्थ मैं इहदे डिटेल नाल कर लईए, आपां थोड़े जे खोल लईए। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खन खिन, अखां ते तिमर दर्थ कीता हनेरा। गुरमुखो हनेरा कई तरह का है, पर दो तरह का हनेरा आम दृष्टमान च हुंदा है, एक चिट्टा ते एक काला। मैं दो शब्द वरत लगा, अपने मन च आएगा भी हनेरा चिट्टा भी हुंदा, हाँ हुंदा है। आ दो महीनों बाद चिट्टा हनेरा पैना धुंद, उहदा रंग चिट्टा है पर खतरनाक वह काले हनेरे तो वध है। इस करके भाई गुरदास साहब ने गुरु नानक साहब लई शब्द वरत्या, सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद। चिट्टा हनेरा बड़ा खतरनाक, जे याद रखियो अनपढ़ बंदा उन्ना नुकसान नहीं करता जिन्ना ज्ञानी बंदा कपटी हो जाए तो नुकसान कर जाता है। ये लफ्ज नूं सुणियो, जिहड़ी धुंद है वह चिट्टे पांदा भुलेखा पाती है, पर खतरनाक इन्नी उस चिट्टे ते भरोसा करके जिहड़ा उहदे विच वड़ गया वो एक फुट भी नहीं देख सकता। इतों तक कि चिट्टा हनेरा इन्ना खतरनाक कि सूरज चढ़िया हो भी पेश नहीं जान देता। आप कहने किन्ने दिन हो गए पंजाब सूरज ही नहीं वेख्या, सूरज चढ़िया तो है पर चिट्टे हनेरे ने लुको लिया। एक हनेरा एक काला हनेरा है, यह कहड़ा हनेरा जिहड़ा गुरु रामदास जी दे नां लिया खत्म हो गया। साडे संप्रदायी गुरमुख ज्ञानियों ने अर्थ किए कि मन बुद्धि रूप नेत्र, कि जेडे साडे बुद्धि रूप नेत्र ने अज्ञानता का हनेरा है यह कट दिता। हो सकते ने अर्थ जी, क्योंकि अर्थां नूं बन्निया नहीं जा सकता केवल। फिर मेरी बेनती है हुण असल च की है, जदों असीं हनेरे की गल करने हैं कि एक हनेरा आ है, मान लो मैं धुंद का जिक्र किया जां मस्या की रात होवे, मेरे हाथ पैर नहीं दिसदे, आप जी दे तुरदियां कपड़े नहीं दिसदे, एक कदम नहीं दिसदा, अंग नहीं दिसदे, पर घट्टो घट यह तो समझ हुंदी है मेरा नाम की है, मेरे घर का एड्रैस की है, मेरे मापे कौन ने, मैं किस शहर चा, मैं जाना कित्थे वे, इन्हां दा पता हुंदा है ना जी। गुरमुखो बाहर दे हनेरे विच अंग प्रति अंग नहीं दिसदे, पर इन्नी समझ हुंदी है मैं कौन खां मैं कित्थे जाना है। जदों अंदर हनेरा घर कर जाए ना उदों बंदे नूं यही भुल जांदा है मैं कौन खां ते मैं जाना कित्थे वे। गुरु रामदास का नाम लवो ते अंदर दे अज्ञानता दे हनेरे भी कटे जांदे आ। फिर बेनती, अज्ञानता हनेरा बहुत वड्डा, उंज वैसे गुरु का लफ्जी अर्थ ही है जिहड़ा हनेरे नूं खत्म करके प्रकाश करदा है। फिर बेनती, जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, हो प्यारिओ एक खिन च। मैं एक बार मंजी साहब बेनती की, हो सकता है क्योंकि कथा जदों रिपीट हुंदी है लफ्ज उही आउंदे ने। आ कोई कमरा लै लो, तहखाना बेसमेंट लै लो, कुछ लै लो, उस कमरे नूं बंद होया 500 साल हो जाए, मैं 500 साल वरत रहे, ताला लगा है, अंदर हनेरा है, ते जेकर कोई बंदा कहे जी मैं इस हनेरे नूं खत्म करना है, ते अज्ञानी बंदा कहे भी 500 साल पुराना है, जे इन्ना पुराना है ते कट दें भी इन्ने साल लगनगे, ते सूझवान कहेगा नहीं तेनू समझ कोई नहीं, हनेरा भावें 500 साल पुराना होवे दीवा बलन दी देर है, ते सदियां दा हनेरा चला जांदा है, अंदर कई जन्मां दा हनेरे च डुब्बा होवे, एक वारी धन गुरु रामदास कहो कई जन्मां दा हनेरा चला जांदा, क्योंकि दीवा बले अंधेरा जाए।
दीवे सामने हनेरा किथे रहना, हनेरा चानन दी अणहोंद दा नाम जो हनेरा कुछ भी नहीं। इस लफ्ज़ नूं गुरमुखो ध्यान नाल सुनियो, अज्ञान कुछ भी नहीं सिर्फ ज्ञान दी अणहोंद है। सियाने लोग कहिंदे सन कि एक वारी हनेरे ने जाके परमात्मा नूं कहा, एक कहानी बनाई कि सूरज मैनूं टिकन नहीं दिंदा, सूरज मेरे पिछे हाथ धो के पिया। कहिंदे परमात्मा ने सूरज नूं कहा, तू हनेरे पिछे क्यों पिया, तेरी शिकायत आई। ते सूरज कहिंदा, मेरे सामने तां लियाओ किन्ने मेरी शिकायत की, क्योंकि सूरज दे सामने कदी हनेरा आ ही नहीं सकता। मेरी फिर बेनती है, ये ऐवें कविता नहीं कि अंदर दा हनेरा कई जन्मां दा होवे, गुरु रामदास दी परिक्रमा च मत्था टेक के एक वारी शरदा नाल भिज के कह दे धन गुरु रामदास। हो सकता है एक वारी धन गुरु रामदास कहा, तेरे कई जन्मां दा हनेरा चुकिया जाए। जे सतगुरु सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम, दिनो दिन दिन ब दिन धन गुरु रामदास बोल, धन गुरु रामदास बोल। जिन्ना गुरु रामदास बोलेगा तेरा अंदर नाम नल भिज जाएगा। तीसरी बेनती, जे सतगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावे, जिस गुरु का नाम लिया जिंद दी तपश मिट जाती है। गुरमुखो तपदा अंदर पता केड़ा है, काला अंदर बड़ा तपदा जी। अज धुप च कदी परिक्रमा चल के देखियो, हुण तां चलो विशाई हो गई है, जिहड़ा काला पत्थर होवेगा उत्ते पैर रखियो, वह चिट्टे नालों ज्यादा तपदा है, काला रंग ज्यादा तपदा है। तो जिहड़ा अंदर है ना, जिहड़ा वाशना विच काला हो गया तपदा भी होवे। अगली गल, वह तपदा जिहदे अंदरों बाणी चली जाए। जियो तपत कै बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विलज कोड़ी विलकद। आतिश दुनिया, महाराज कहने दुनिया च अग लगी है, खुनक नाम खुदाया। महाराज ने बाणी च कहा, हर बिन जियो जल बल जाओ, पहला शब्द श्री राग दा, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरु पूछ देखा अवर नाही थाओ। गुरमुखो जदों कोई धन गुरु रामदास मुख तो बोलेगा, ते पट कहने तेरे अंदर दी तपश खत्म हो जाएगी, तेनू ठंड पै जाएगी। गुरु रामदास क्या ही ठंड पै जांदी प्यारे हो। महाराज कह रहे ने, जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निद पावै। गुरमुखो केड़ी चीज है जिहड़ी गुरु रामदास दे घर च नहीं? सच्ची जे बड़ी संगत आई, क्योंकि मैं कई बार सोचना, जिन्ना कु महाराज का इतिहास है ना जी, साडे कोल महिमा प्रकाश, गुरप्रताप सूरज, पंत प्रकाश, जां थोड़े बहुते वारतक ने, सच्ची जे 47 साल के करीब सतगुरां दे जीवन असीं पढ़ने, ते साखियां सारियां तकरीबन 10 क साखियां विच सारी गल समेटी जांदी। साडे कोल खिमा करियो, इन्ना वड्डा इतिहास का खजाना नहीं, पर उस तो वड्डी कृपा वे साडे कोल गुरु रामदास जी की बाणी का खजाना। देखो गुरु रामदास क्या की मिलता है, सेवा लगी जी इत्थे, उदो सरोवर की सेवा हो रही। मैं ऐद की अर्ज करांगा, थोड़ा थोड़ा समा कढ़ के गुरु अमरदास जी मोड़ी गढ़ के गए जी शहर की, ते गुरु रामदास जी ने टप लवाया बाबा बुढ़ा साहब जी तो। जो सेवा शुरू हो गई जी, संगत बहुत दूर दूर तो आते, याद रखियो गुरु रामदास जी का एक नेम से, जिथे जिथे हुण हरिमंदर साहब है ना जी, जो सरोवर नहीं सी पटिया गया, इत्थे सतगुरु गुरु रामदास महाराज दीवान लाते रहे, इत्थे संध्या का दीवान लगता सी, सारी संगत विश्राम जदों करदी सी, सब नू थाओ थाई पा के फिर सतगुरु अपने घर नू जिथे गुरु के महल है इत्थे जाना। संगत बड़ी दूर तो आउंदी सी, वेखण वाले जोगी भी आए, सरेबड़े भी आए। इसे सेवा के दरम्यान आप जी नू पता होना, बाबा श्री चंद जी भी आए सन। इसे सेवा के दरम्यान वो भी लोग आए जिन्होंने एक बारी धन गुरु रामदास गया, अज तक उन्हां दियां पुश्तां उस सुख नूं मान दियां पईआं ने।
संतों साखी सब नू पता है संगत सेवा कर रही है जेलम दे इलाके दा कुछ सोमान भाई सोमान कहिंदे आ असल ज्यादा प्रचलित नाम है सोमा शाह उन्हों किसे कहा भी माझे दिया तू नीच एक तीर्थ बंदा पिया है तीर्थ लफ्ज नू हेठ नहीं करनी तीर्थ दा लफ्ज ही अर्थ है वे जिहड़ा पापां तो मुक्ति दवांदा होवे तीर्थ गुरु भी है तीर्थ नाम भी है तीर्थ सतसंगत भी है तीर्थ बन रहा है उत्थे जाके छाबड़ी ला तो सब नू पता है पर फिर मैं बेनती करा सिफत गुरु रामदास जी वो आ गया देखी बड़ी संगत जी उन्हें अपनी छाबड़ी लाई ज्ञानी ज्ञान सिंह उन्हें छे दिन का जिक्र कर दिया कहने लोहिणा महाराज अपनी गल कर रहे हर अमृत भिन्ने लोहिणा मन प्रेम रतन्ना राम राजे साडा अंदर प्रभु दे प्रेम च इन्ना भिजे नेत्र भिजे मारे तुरे जाते ने यह अगे दौड़ के गया खुशी इनू ए सी भी अज वटक होइए याद रखियो जदों बंदे नू कुछ मिल जाता चा कुछ होर तरह का हुंदा है वो चा स्थिर नहीं हुंदा थोड़ा इमोशनल बंदा हो जाता थोड़े समय लिए वो चा हो गया अगे जाके मत्था टेकिया ते महाराज जी इहदे वल देखिया सतगुरु सच्चे पिता गुरु रामदास सोढ़ी पातशाह जी ने कह लगे कित्थों आए कहिंदा जी जेलम दे इलाके तो छाबड़ी लाई सी महाराज कहिंदे वटक होई जी खां कहन लगे एडा वड्डा जग लगा संगतां सेवा करनियां बड़े पैसे दी लोड़ है किन्ने वटे नहीं उहदे भाग चंगे हो गुरमुखो जिहड़ा पल्ले बन्निया सी खोल के कहिंदा महाराज आ वटे आ कहिंदे सेवा च पा दईए सत बचन जी पा दिओ रात नींद कोई नहीं वैसे पई क्योंकि खरबली जी अंदर पई रही मैं आया कदे लई पता नहीं किन्ने कु फुरने उठे होणगे भी इहना क्यों पैसे लै लै दूजे दिन संगत विचों टका लभ गया कीर्तन चो दूजे दिन जी फिर आए महाराज तीजे दिन फिर आए चौथे दिन पांच दिन गुरु जी ने आवाज दी किन्ने वटे ओ गुरमुख छेवें दिन तक रज चुका सी छेवें दिन उठ के महाराज की आवाज पैन तो पहला आप जाके खड़ा होके कहना महाराज अज सब तो ज्यादा वट कोई महाराज जी ने कहा यह अपने को रख अपने को होर माया दी उन्हें कह लगे कादे लिया है सच्चे पातशाह सच दसा मेरे घर रोटी नहीं चलती नाम की सोमे शाह महाराज ने तीन बचन कहे सोमा शाह गुरु का शाह तीसरा बचन किया बेपरवाह प्यारे याद रखियो सिर्फ इन्ने कहा ना सतगुरु नु अदब नाल ही बुलाया सोमा शाह गुरु का शाह बेपरवाह इन्हां दी अंश विचों होए ने मेहर शाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उहनू खिताब दिता सी बख्शंद फरजान शायद आप नू पता होवे इसे भाई सोमे शाह दी अंश विच होए ने गोबिंद सिंह शाह आ जदों 1923 च सेवा होई वह हत्थी सेवा करना है मैं फिर बेनती करांगा गुरु गोबिंद सिंह ने इस परिवार नू कहा बख्शंद फरजंद इहदा मतलब बख्शे हुए पुत्र महाराज ने कहा सोमा शाह गुरु का शाह बेपरवाह नाल क्या जा अज तो बाद तेनू शाह पुणा दे दिता तेरे घर च कदी किसी चीज का तोटा नहीं आएगा मैं गुरमुखो तुहानू जिहड़ी बेनती कर लगा जिहड़ा सवैया है ना इहदे च कल्ला रिधियां सिद्धियां नहीं क्या इहदे च क्या तू धन गुरु रामदास कहेगा तेरी दुकान चल जाएगी तू धन गुरु रामदास कहेगा तेरा खेत चंगी फसल देगा धन गुरु रामदास कहेगा तेरी औलाद नू सुख मिलेगा पर जे निरंतर गुरु रामदास तू जपदा रहा एक दिन इस मोह तो उपर उठेगा तेरे अंदर नाम वस जाएगा महाराज दे शब्द जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जे सतगुर सिमरंत रिद सिद नव निध पावे केड़ा सतगुरु जी केड़े सतगुरु जी महाराज भट्ट जी दसो खां गुरु नानक साहब कहते हाँ हाँ जो तो ही आ सोई रामदास गुर बल भण ये जे सतगुरु का अर्थ इस तुक विच है उत्ते सी जे सतगुर सिमरंत जे सतगुर सिमरंत ये आया इत्थे बरुतरे केड़ा सतगुरु कहन लगे सोई रामदास गुर बल भण कहते वो सतगुरु का नाम धन गुरु रामदास है
ਭੱਟ ਬਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ।